अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.5 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से फाइंड करना है इनका आपने स्क्वायर रूट। ठीक है, हमारे पास डेसिमल कह सकते हैं, हमारे पास टर्म गिवन है, इनका आपने फाइंड कर दिया। यहाँ दिया हमारे पास ना 1.21। अब सबसे पहले आपने ना खत्म करना है इसका जो पॉइंट है 121 ओवर, जहां पे आपको पॉइंट है वहां पे आपने वहां लिखना है, और पॉइंट के राइट साइड पे जितने आपके डिजिट होंगे उतने आपने जीरो लगाने हैं। तो यहाँ आपके 2 है डिजिट, तो आपको 2 जीरो आ जाएंगे। अब 121 का आपने अलग से फैक्टर बनाने, 100 के आप अलग से बनाने, तो 121 किस तरह होंगे, 11 1s are 11, यहाँ से 1 कैरी होगा, 11 11 1s are 11, 11 1s are 11। उसके बाद 100 के बनानी है आपने, 2 5s are 10, 2 0s are 0, 2 2s are 4, यहाँ से 1 कैरी होगा, 2 5s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब यहाँ पे आपका 121 और 100 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, जहाँ आपका 121 है वहां पर ये लिखने फैक्टर आपने 11 multiply 11। उसके बाद जहां पे 100 है वहां पे 2 multiply 2 into 5 into 5। अब यहाँ चूंकि हमारे पास 11 11 बेस 8 जैसे हैं, एक दबा लेते हैं पावर को प्लस कर देते हैं, 1 power, ये 1 power इसकी होगी, तो 11 की पावर 2 आएगी, सेम एज 2 की पावर 2 आएगा, फिर 5 की पावर 2 आएगा। अगर हमारे पास बेस 8 जैसे हों तो एक दफा लिखते हैं, पावर को ऐड कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास जो स्क्वेयर रूट है और स्क्वेयर आपस में कैंसिल होते हैं, ये जो आपका स्क्वेयर रूट है, जो टर्म ओवर ऊपर उनका भी है, नीचे वाले का भी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा पावर 2 स्क्वायर रूट से, ये भी बाकी आएगा 11 over 2 multiply 5, 11 2 5 10। अब 11 को 10 पे डिवाइड करना है, चाहे तुम्हारा जो आंसर पॉइंट फॉर्म में आ सके, 10 1s are 10, 1 में 0 निकाल देंगे 1 आएगा। अब यहाँ लगाना है अपने पॉइंट, यहाँ लगाना है 0, अब 10 1s are 10, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1.1। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है कि 7.29। अब 729 ओवर 100 आ जाएगा आपको, जहाँ पॉइंट है वहां पे 1 लिखा, पॉइंट के आगे हमारे पास जितने डिजिट होते जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 2 digit and 2 0 आ गया। अब आपने 729 का और 100 का फैक्टर बनाने हैं। यहाँ आएगा हमारे पास 3 2s are 6, यहाँ से 1 कैरी होगा, 3 4s are 12 और 3 3s are 9, 3 8s are 24, 3 1s are, 3 2s are 6, यहाँ से 2 कैरी होगा, 21, 3 7s are, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 100 के हमारे पास ये फैक्टर होंगे। ठीक है, कि 2 50s are 100, 2 2s are, यहाँ से 1 कैरी होगा, 10 2 5s are, 5 5s are, 5 1s are। अब जहाँ पे 729 का हमारे ये फैक्टर लिखने हैं, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, जहाँ पे 100 है 2 into 2 into 5 into 5 ये वाले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ चूंकि हमारे पास बेस सेम है, इनकी पे नहीं करनी, अब 3 की पावर 2, फिर बेस सेम है, एक दफा क्या पावर 2 आ जाएगी, फिर 3 की पावर 2, नीचे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, अब ये भी कैंसिल पावर 2 स्क्वायर रूट से, ये भी ये भी ये भी, ये बाकी आएगा 3 into 3 into 3, और नीचे आएगा 2 into 5, 3 3s are 9, 9 3s are 27 over 10। अब 27 को 10 से डिवाइड करना है आपने। ठीक है, 10 2s are 20, 7 से जीरो निकाल देंगे 7 आएगा, अब 2 में 2 0, यहाँ लगाना है आपने पॉइंट, यहाँ 0, और 10 7s are 70, यहाँ पर आपका आंसर है 2.7। उसके बाद आगे वाला नेक्स्ट है 5 वाला, कि 1.69, 169 ओवर 100 आएगा। अब 169 के हमारे पास फैक्टर होंगे 13 1s are 13, यहाँ 3 कह दिया 39 13 3s are 39, 13 1s are 13, 100 के होंगे 2 5s are 10 और 0, 2 2s are 4, यहाँ से 1 कह रही है 10 2 5s are, 5 5s are 5 1s are, 169 और 100 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे 169 वहाँ आएगा 13 multiply 13, जहाँ पे 100 है 2 into 2 into 5 into 5, 13 की पावर 2 आएगा ओवर 2 की पावर 2 और 5 raised to 2 आएगा स्क्वायर रूट। अब ये भी कैंसिल पावर 2 स्क्वायर रूट से, ये भी बाकी पर आएगा 13 over 2 into 5, 13 over 2 5 10 आएगा, 13 को आपने 10 से डिवाइड करें तो आपका आंसर है 1.3। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 के बाकी वाले पार्ट्स सब भी सेम आप कैसे हैं वो आपने खुद करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।